नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन बोहार और मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ये हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस के। तो आज 24 दिसंबर है, क्रिसमस का इवनिंग। तो मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ और चर्च का नज़ारा दिखाऊंगा आप लोगों को, चर्च कैसा है और वहाँ कितनी तैयारियाँ से हो रही है 25 दिसंबर की, कैसे डेकोरेट किया गया है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। फाइनल दोस्तों, मैं आ गया हूँ चर्च के पास। चर्च का नाम है सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च और ये पड़ता है अशोक पैलेस में। अशोक पैलेस और डाक बंगला साहिब के जस्ट अपोजिट साइड वाला हिस्सा ये चर्च पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चर्च का देख सकते हैं कितनी सजावट की गई है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी की गई है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये चर्च खुलेगा नहीं। इसमें जो पूजा करने वाले हैं, अंदर के जो फादर्स होते हैं, वही पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु का। और यहाँ और भी पब्लिक आई हुई है प्रभु का स्तुति करने। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस का बैरियर लगा पड़ा है, बंद है ताकि अंदर कोई जा ना सके। तो दोस्तों, इस तरह यहाँ तैयारी हुई है अगर ये ओपन रहता तो और भी प्यारा लगता। तो दोस्तों, और इसके पीछे भी एक प्रभु यीशु का स्टेच्यू है, मैं उसे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ चर्च के पिछले हिस्से में, जो कि बंगला साहिब के ठीक अपोजिट साइड में दिख रहा है। देखिए, ये जो दिख रहा है ये बंगला साहिब का दीवाल है और ये आप देख सकते हैं प्रभु यीशु हैं जो क्रूस से लटके हुए हैं। और ये कोविड की वजह से बनाया गया ताकि कुछ लोग कोविड में अंदर जाके प्रभु का स्तुति नहीं कर पाते थे, उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कैंडल भी जलाया गया है। कोविड में चर्च बंद है अभी, फिर कुछ दिनों के लिए खुला था, फिर चर्च बंद है। इसमें लोग चर्च के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ आना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ का लोकेशन, जिसको जानकारी नहीं है। यहाँ आने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतरिए और वहाँ से किसी भी ऑटो वाले से बोलिएगा तो 10 या 20 रुपीज़ लेगा और आपको यहाँ छोड़ देगा। और यहाँ लोग आ रहे हैं, जैसे लोग आ रहे हैं उदासी के साथ जा भी रहे हैं क्योंकि प्रभु का स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं प्रभु से यही बोलना चाहता हूँ, हे प्रभु, आप इस महामारी को दूर कीजिए और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, जितने फैमिली मेंबर हैं हमारे, पूरे दुनिया का दुख दर्द अपने झोले में रखिए प्रभु, आमीन। मैं यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर ये चर्च खुला रहता तो मैं अंदर का भी आप लोगों को दिखाता। तो वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।